देखिए, हम हिमालय पहुंच चुके हैं। ये हिमालय पे गेस्ट हाउस बने हुए हैं। अगर आप आते हुए नया पुल से बेस कैंप के लिए या फिर जाते हुए बेस कैंप से नया पुल के लिए अगर आप यहाँ रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। इस जगह का नाम हिमालय है और यहाँ पर गेस्ट हाउस हैं जिसमें आप आसानी से रुक सकते हैं। और इसी के साथ हम लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू रखेंगे जब तक बैम्बू पहुंच नहीं जाते। और इन केस अगर बैम्बू हम टाइम से पहले पहुंच गए तो हम सिन्हवा जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बैम्बू से सिन्हवा लगभग 2-2.5 घंटे लगते हैं पैदल। वैसे सबकी पैदल चलने की एफिशिएंसी अलग अलग होती है, कोई चाहे तो जल्दी भी कवर कर सकता है। तो अभी तो हम लोग हिमालय पहुँचे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा ब्रेकफास्ट करना है और कुछ करते हुए ब्रेकफास्ट बोल रहा हूँ सॉरी लंच करना है और आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा यहाँ लंच ब्रेकफास्ट डिनर थोड़ा महंगा है, लेकिन वो आपको समझना होगा क्योंकि इतनी ऊंचाई पर सामान लेके आना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक एक सामान को आदमी या खच्चर की मदद से लेके आते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टफ काम है। क्योंकि हमें पता है जब हम एक छोटा सा बैग लेके चल रहे हैं तो इतनी दिक्कत हो रही है, तो सब लोग जब अपना पूरा सामान लेके चलते हैं तो उनको कितनी दिक्कत होती होगी। चलिए हाँ, अपना लंच करके फिर से कंटिन्यू करूँगा वीडियो अगर कोई अच्छा लोकेशन आएगा। अभी तो ज़्यादा फॉग हो गया इसलिए कुछ दिखेगा नहीं। ये लोहे की पाइप्स जिनसे ये बने हुए हैं फ्रेम, सारा स्ट्रक्चर कंप्लीट किया गया है इन्हीं इसी के बेस पर। और बहुत ही सुंदर तरीके से ये लोग अपने गेस्ट हाउस को डिज़ाइन करके गेस्ट के लिए तैयार कर रहे हैं। और गेस्ट हाउस हैं भी और नया भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है ताकि जब टूरिस्ट और बढ़े तो प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर।